ये एरिया जी बाजार वाले साइड पे भी यहाँ पर शटरिंग बांधी गई, यहाँ पर अभी ऊपर सरिया भी बांध दिया गया है, यहाँ पर जाल ही ऊपर जी लेंटर डालेंगे, चक्कर नीचे पानी कितना खड़ा हो चुका है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे जी अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी, अल्लाह पाक आप सबको अपने जुमान में रखे। वेलकम करता हूँ जी आपको अपने यूट्यूब चैनल में, हाजिर जी रोड की एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। शाहरा कश्मीर यानी कश्मीर रोड, आज़ाद जम्मू कश्मीर डडयाल तक जो रोड बन रही है इसकी अपडेट के साथ इस वक्त जी मौजूद हैं फेज़ वन में। जैसा कि आप लोगों को पता है जी कलर सेला से लेकर सरसों बशाह तक फेज़ वन है, और सरसों बशाह से लेकर जी आगे दान गली तक फेज़ टू जी। फेज़ वन मोड़ा लंगड़ियाल में इस वक्त जी मौजूद है, यहाँ पर जी नालियों बनाने का काम जारी है जी, रोड की साइड पर जो नालियाँ बना रहे हैं जी, और ये जगह जी मेन जो कारपेट होने वाली रह गई है, बाकी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जी इस रोड का फेज़ वन का कारपेट हो चुका है जी। अभी चक्कर इस तरफ शटरिंग बांध रहे हैं जी, और बाकी कल ये यहाँ पर जी इस तरफ से लेकर वो आगे तक जी आखिरी स्टेप जो है ये हमारे लेफ्ट साइड पे ये कारपेट जो सॉरी नाली बनाई गई थी यहाँ पर, और अभी ऊपर गुजरने के लिए रस्तों घरों के लिए रास्ते भी बनाए जा रहे हैं, साथ में इसके ऊपर शटरिंग वगैरह बांध दी गई है। चक्कर बिल्कुल रोड के बराबर अभी जी तकरीबन पहुँच चुके हैं जी, और इसके बाद यहाँ पर नाली बनाने के बाद ही यहाँ पर ऊपर कारपेट की जाएगी जी। यहाँ से नाली इस तरफ से भी सरसों बशाह वाले साइड पर जी आधी, और आधी मोड़ा लंगड़ियाल जहाँ से शुरू हो रहा है जी कलर सेदा वाले साइड से, तो उस तरह से भी आधी नाली तकरीबन बन चुकी है, और सेंटर में कुछ पीस रह गया जी जो कि अभी बनने वाला रह गया जी। चेक करें कल यहाँ पर ये कंप्लीट की गई है जी, ये छोटा सा हिस्सा जो है वो यहाँ से लेकर वो आगे तक जी आखिरी स्टेप इसका बनाया गया है, और मज़ीद अभी जी आगे की तरफ ये बनाते हुए जी जा रहे हैं। चेक करें जी ये स्पोर्ट भी है जी रोड के लिए, और घरों के लिए जी नाली भी है निकासी की पानी के लिए भी जी, स्पोर्ट से ये होगा जी कि इस साइड पे स्पोर्ट होगी जो रोड वो है वो साइड पे खिसकेगी नहीं, तो ऊपर कारपेट इजीली हो जाएगी जी। अभी जी शटरिंग वगैरह बंद जा रही है, और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जी कंक्रीट डालना शुरू करेंगे जी। चेक करें वो आगे तक जी जहाँ तक अभी नाली बनाई गई है वहाँ तक जी अभी लास्ट स्टेप जो है वो बनाया जा रहा है जी। सामने वाले साइड पर तकरीबन कंप्लीट है जितनी आईडीज की करनी है, और इस साइड पर जी अभी आखिरी स्टेप रह गया जी। काम यहाँ पर बंद हो गया था जी ईद से पहले, और अभी तकरीबन 10-15 दिन के बाद दोबारा यहाँ पर काम दोबारा शुरू हुआ है, अभी इंशाल्लाह उम्मीद है जी कंप्लीट होगा साथ ही, और कारपेट मशीनरी भी जो कि आ चुकी है, तो उसके बाद यहाँ पर जी कारपेट भी की जाएगी, ये सारे रह गया जी तो इसके ऊपर कारपेट भी की जाएगी जी। तो अभी जी रोड की हाइट का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं जी इन दुकानों से जी। चेक करें इन दुकानों के गेट यहाँ पर जी तकरीबन 6-7 फीट जो गेट ऊंचा होता है यहाँ पर, तो इसकी आधे तक तकरीबन जी नाली पहुँच चुकी है जी, यानी दुकानों की हाइट काफ़ी ज़्यादा भी नीची हो चुकी है नाली की बनस्बत रोड की बनस्बत, ठीक है। 3-4 फीट यहाँ पर ये ऊँची है पुराने लेवल से जी ये जगह, और अभी ये दुकानें जब भी कुछ ख़ास काम की नज़र तो नहीं आ रही, अभी देखें यहाँ पर क्या करते हैं, शायद उखाड़ के दोबारा नहीं बनाएँ, तो यही हिसाब है जी। आगे कुछ घरों का भी उनका भी लेवल काफ़ी नीचे हो चुका है जी, तो उसके लिए पानी के लिए थोड़ा बहुत बीच में जी सेंटर में ही शुरू में जी पाइप दे दिए गए, क्योंकि नालियाँ ऊंची काफ़ी हैं जी और नीचे गहरी भी अच्छी खासी है जी। तो अभी ऊपर रस्से भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर घर हैं उनके ऊपर रस्से वगैरह बनाए जा रहे हैं, और चेक करें इस तरफ रस्तों के लिए जी शटरिंग वगैरह बांधी जा रही है यहाँ पर, और अभी सुबह का टाइम है तकरीबन 9 बज रहे हैं जी, तो अभी तो यहाँ पर कंक्रीट डालना शुरू करेंगे थोड़ी देर तक, तो अभी फिलहाल शटरिंग को क्लियर कर रहे हैं जी, शटरिंग बांधी गई है उसको जी क्लियर कर रहे हैं कि शटरिंग ठीक बांधी है, उसके बाद ही जी मिक्सर मशीन जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही जी ठीक हो गया जनाब, उसके बाद ही जी यहाँ पर ऊपर जो है वो कंप्लीट करेंगे जी। यहाँ पर मोड़ा लंगड़ियाल में जी इस वक्त जी हम लोग मौजूद हैं, और कुछ दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भाई मोड़ा लंगड़ियाल की अपडेट दें, तो मोड़ा लंगड़ियाल की ये अपडेट है जी, नालियों का काम जारी है, और दिन गुजरने के साथ साथ जी काम मुकम्मल होने के करीब जाता हुआ जी। तो है जी अभी इस तरफ से ये अपडेट है, और अभी चलते हैं जी आगे चौखालसा पुल की आप लोगों को अपडेट देते हैं जी, वहाँ पर काम कहाँ तक पहुँचा है जी और कितना काम हुआ है, और इसी वीडियो में आप लोगों को जी उससे भी अपडेट करेंगे। फेज़ वन के रिलेटेड ये वीडियो है जी, और फेज़ वन के ही जो जहाँ जहाँ पे काम हो रहा है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं जी। तो अभी चलते जी इस तरफ चौखालसा पुल की तरफ।
तो ये चक्कर है जी, अभी हम लोग चोहा खालसा बाजार से निकल के और सरी नाले की तरफ, चोहा खालसा पुल की तरफ जा रहे हैं जी। और अभी आप लोगों को दिखाते हैं जी पुल की क्या सूरत हाल है। पुल के ऊपर जी काम यहाँ पर जारी है, क्या करें, वो सामने आप लोगों को जी पुल हल्का सा नज़र आ रहा होगा जी। ये सेंटर में कुछ इस तरह है जी पुल का, जहाँ पे अभी ऊपर लंटर डालने वाला है, कुछ हिस्से में अजरे कॉलोनी वाली साइड पे जी लंटर डाल लिया गया जी। और अभी चोहा खालसा बाजार वाली साइड में कुछ हिस्से में जी जो है वो शटरिंग वगैरह बांधी गई जी। डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, वो लाजमी जाके देख लें जी, चोहा खालसा पुल के रिलेटेड। और बाकी जी ये सूरत हाल है पुल के साथ, अभी रोड भी बनने वाली जी काफ़ी हद तक, जिस तरह इधर चोहा खालसा वाली बाजार वाली साइड पर रोड कुछ बनने वाली है, और इसी तरह अजरे कॉलोनी वाली साइड पर जी यानी पुल की दोनों साइड पर रोड भी बनने वाली है। चेक करें अभी रूलर अपना काम करेगा यहाँ पर, चेक करें जी। इस तरफ आप लोगों को जी सामने कारपेट मशीनरी खड़ी नज़र आएगी जी, जी यहाँ पर अभी मशीनरी वगैरह खड़ी है, रूलर वगैरह और कारपेट बिछाने वाली मशीन, और आगे इस तरफ सरिये की कटिंग वगैरह का काम जारी है। चेक करें जी सब क्राप वगैरह क्रेन वगैरह सारे यहाँ पर खड़े, और अंदर यहाँ पर जी सरिया मोल्डिंग का काम यहाँ पर जारी है। ये जी चोहा खालसा पुल ये एरिया जी बाजार वाले साइड पे, अभी यहाँ पर शटरिंग बांधी गई, यहाँ पर अभी ऊपर सरिया भी बांध दिया गया है, यहाँ पर जल ही ऊपर जी लंटर डालेंगे। चेक करें नीचे पानी कितना खड़ा हो चुका है जी, और अभी सावन का महीना तकरीबन शुरू हुआ जी, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और पानी अच्छा खासा यहाँ पर खड़ा होना शुरू हो गया। ये सेंटर में जी कुछ गैप जो रह गया जी अभी पुल का, जहाँ पे अभी शटरिंग वगैरह बांधेंगे, सरिया वगैरह बांध के फिर लंटर डालेंगे, जबकि यहाँ तक जी यहाँ से लेकर आगे जहाँ से पुल शुरू हो रहा है वहाँ तक जी ऊपर लंटर डाल दिया गया जी, ईद से पहले का डाल दिया गया था जी ये। चेक करें जी, और इस तरफ भी कुछ इससे तक बुराई की गई, यानी इस साइड पर भी दीवार बनेगी उसके बराबर करके फिर जाके यहाँ पर बुराई मजीद होगी। सावन के महीने में बुराई का काम बड़ा बेहतरीन है जी, तो जितना ज़्यादा मिट्टी को पानी लगेगा मिट्टी उतनी ज़्यादा वो अपनी जगह पर जो है बैठ जाएगी जी। अभी हम लोग जी आजरी कॉलोनी वाली साइड पर पहुँच जाएँ, ये चक्कर ये भी एरिया रोड के साथ अभी कारपेट होने वाला रह गया जी, वो आगे तक जी बहुत पहले रोड जो है वो कारपेट कर दी गई थी बैरिया कॉलेज के साथ। ये चक्कर जी ये अभी बैरिया कॉलेज के साथ आ गए जी, यहाँ पर रोड अभी कारपेट करने वाली रह गई है। हैदरी कॉलोनी के करीब हम लोग जी इस वक्त मौजूद हैं, और ये जो रोड जी यहाँ पर पुरानी कारपेट है जी। तो खैर जब वीडियो को ड्रैग नहीं करेंगे, वीडियो करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग जी हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग जी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में अगर आप लोग जी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो नहीं कर रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके फॉलो कर लें। तो इंशाल्लाह जी आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।